नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। मित्रों, आज एक खास पेशकश आपके लिए लेकर आए हैं। जी हां, इस बार हम आपको बताने वाले हैं जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि 14 या 15 तारीख किस दिन मनाएं भाई दूज का पावन पर्व। तो भाई, इस असमंजस की स्थिति को दूर किए देते हैं। खास समय आपको बताएंगे कि कब हमारी माताएं बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक करके अपने भाई का भाग्योदय कर सकती हैं। जी हां, अगर आपका भाग्य साथ नहीं देता है, कहीं ना कहीं भाग्य में रुकावट है, अवरोध है, तो एक ऐसा खास तिलक आपको बताएंगे जब हमारी माताएं बहनें अपने भाई के माथे पर करेंगी तो भाई दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति की ओर जरूर जाएंगे। मित्रों, भाई दूज के पावन पर्व की महिमा क्या है यह भी आपको बताएंगे। एक ऐसा दिव्य प्रयोग आपको बताया जाएगा जो आपकी नौकरी में, व्यवसाय में चार चांद लगा देगा। तो मित्रों, अब आपको बताते हैं कि भाई दूज की महिमा क्या है, यम द्वितीय के इस पर्व की महिमा क्या है। देखिए, सभी लोग जानते हैं कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मध्य दोपहर में भाई दूज का पावन पर्व मनाया जाता है। इसी दिन विशेष तौर पर भगवान यमराज ने अपनी बहन के घर जाकर उनका आतिथ्य स्वीकार किया था और उनके घर पर भोजन भी किया था। इसी कारण यानी इस द्वितीय तिथि पर ही भाई दूज के दिन ही माताएं बहनें अपने भाई को तिलक करके उनकी लंबी उम्र और उनकी सेहत का जो है उन्हें वरदान देती हैं, भगवान से प्रार्थना करती हैं और उन्हें भरपूर आशीर्वाद भी वो देती हैं। ऐसा करने से भाई बहनों का संबंध भी मजबूत होता है। इस दिन अपनी बहन से तिलक करवाने से आपके भाग्य के तमाम अवरोध, तमाम रुकावट हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं और भाग्योदय होता है। तो आप अपनी बहनों से अपने माथे पर तिलक जरूर कराइएगा। एक इसका विशेष लाभ है मित्रों, अकाल मृत्यु का भय भी दूर हो जाता है। अगर आपकी बहन, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, अपनी बहन से आप अपने माथे पर तिलक जरूर कराइएगा, उनका आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। कोई भी अकाल मृत्यु का भय, किसी भी तरीके से कोई दुर्घटना का भय हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। मित्रों, इस बार जो कंफ्यूजन बना हुआ है कि 14 नवंबर या फिर 15 नवंबर कब मनाएं भाई दूज का पावन पर्व, तो इसको भी दूर करते हैं। देखिए, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो द्वितीय तिथि है वो 14 नवंबर 2023 को दोपहर 2:36 से शुरू होगी और अगले दिन यानी कि 15 नवंबर 2023 को बुधवार के दिन दोपहर 1:45 तक ही रहने वाली है। अब हमारे हिंदू धर्म के अंदर उदयातिथि की मान्यता है, उदयातिथि की बहुत महत्ता है। तो उदयातिथि के अनुसार मैं बताऊं आपको, 15 नवंबर 2023 को भाई दूज का पर्व मनाना कहीं ना कहीं सर्वश्रेष्ठ होगा। पहला शुभ मुहूर्त कब होगा? जब हमारी माताएं बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक करेंगी, तो उस समय को आप नोट करिए, सुबह 6:45 से 9:20 तक बहुत स्पेशल मुहूर्त है। उस समय आप अपनी बहन से तिलक करवाइए। दूसरा एक विशिष्ट मुहूर्त है सुबह 10:40 से और दोपहर 12 तक। यह समय वो समय है जब आप अपनी बहन से तिलक करवाएंगे तो बहन का भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, भाई का भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, दोनों के संबंध एकदम से प्रगाढ़ होंगे। अब मित्रों, आपको बताते हैं कि पूजन की थाली को तैयार कैसे किया जाता है, कैसे इस व्रत को जो हमारी माताएं बहनें रखती हैं अपने भाई के लिए, इस दिन उन्हें विशिष्ट रूप से एक थाली तैयार करनी चाहिए, कौन सी सामग्री होनी चाहिए उसमें, वो भी समझ लीजिए। एक थाली आपको लेनी है, उसको पहले से ही अच्छे से सजा लीजिएगा आप, और उस थाली के अंदर आप एक साबुत गोला रखेंगे, कुमकुम, साबुत सफेद चावल। हमेशा याद रखिएगा, चाहे आप भगवान की पूजा करें, कोई भी मांगलिक कार्य हो, टूटे हुए चावल प्रयोग ना करिएगा, कहीं ना कहीं उसमें नेगेटिविटी आ जाती है। सिंदूर का आप प्रयोग करेंगे, चंदन, फल फूल और पीली मिठाई आप जरूर रखें, और विशेष तौर पर एक सुपारी आपको जरूर रखनी है भगवान मंगल मूर्ति का ध्यान करके। अब किसी आसन पर आप अपने भाई को पूर्व दिशा की ओर चेहरा करके आप बैठाइए, उन्हें हाथ में यानी कि दाएं हाथ में उन्हें नारियल दीजिए, फल दीजिए और उनके माथे पर आप तिलक करिए और उनकी आरती उतारिए। तिलक के बाद भाई भी अपनी बहन के चरण स्पर्श अवश्य करे और उन्हें कोई ना कोई उपहार जरूर दे। ऐसा करने से भाई बहन का संबंध मधुर होगा, प्रगाढ़ होगा, मजबूत होगा,
और दोनों यानी कि भाई बहन दोनों की ही सेहत पहले से अच्छी होगी। अब आपको बताते हैं कि यम द्वितीया पर भाई दूज पर क्या करना है आपको कुछ खास। देखिए यम द्वितीया अर्थात भाई दूज के दिन अपने नहाने के पानी में कम से कम एक चम्मच यमुना जी का आप जल मिलाइए, उससे स्नान करिए। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहन लीजिए, साफ कपड़े पहनकर तैयार हो जाइए, भगवान कृष्ण की भगवान विष्णु की उपासना करिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करिए। विशेष तौर पर भाई दूज के दिन अपनी बहन के घर आप जरूर जाएं, बहन के हाथों से बना हुआ खाना अवश्य खाएं, भाई अपनी बहन को अपनी सामर्थ्य अनुसार कुछ ना कुछ उपहार जरूर दें, चाहे वो छोटा से ही उपहार क्यों ना हो, आप अपनी बहन को कुछ ना कुछ जरूर दीजिएगा। मित्रों अब आपको बताते हैं कि यम द्वितीया पर भगवान चित्रगुप्त को आप कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। भाई ये बहुत जरूरी है, यम द्वितीया का विशेष प्रयोग है, आप इसे अपनाइएगा जरूर। सभी मनुष्यों के कर्मों का हिसाब रखने वाले भगवान चित्रगुप्त का जन्म ब्रह्मा जी के चित्त से ही हुआ था और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को ही भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना का विशेष रूप से विधान माना गया है। जो लोग अध्यापन से जुड़े हैं, जो लोग लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, जो लोग लेखन से जुड़े हुए हैं, अगर आप लेखन का कार्य कोई करते हैं, अगर आप कलम का कोई कार्य करते हैं, वाणी के द्वारा आप किसी को प्रभावित करना चाहते हैं, तो अध्यापन लेखन वाणी से जुड़े हुए कार्य करने वाले सभी लोगों के लिए यह दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान चित्रगुप्त की कैसे करनी है पूजा, बहुत सरल है, बहुत आसान है। भाई आप अपने घर की पूर्व दिशा या दक्षिण दिशा में भगवान चित्रगुप्त की फोटो के सामने एक शुद्ध घी का दीपक जलाइए और उन्हें खील, पताशे, थोड़ी सी मिठाई, पीले फल के साथ एक विशेष तौर पर जो आप प्रयोग करेंगे, बहुत सुंदर सी आपको एक कलम यानी कि पेन उनको अर्पित करना है। पीले फल और फूल अर्पित करते हुए आप एक मंत्र का जाप करिए, ओम चित्रगुप्ताय नमः। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करिए। जाप के बाद सारे फल और मिठाई किसी जरूरतमंद बच्चे या व्यक्ति को आप दान कर दीजिए और जो कलम आपने भगवान चित्रगुप्त को अर्पित की थी वह कलम, वह पेन आप अपने पास हमेशा के लिए सुरक्षित रखिएगा। अब किसी भी महत्वपूर्ण कागज पर हस्ताक्षर आपको करने हैं तो भाई इसी कलम का, इसी पेन का आप प्रयोग करिएगा, वह कार्य आपका हमेशा के लिए सफल होगा। अगर आप कोई महत्वपूर्ण डील करने जा रहे हैं तो इसी कलम से आप हस्ताक्षर करिए, साइन करिए। आपको कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो भी आप उसी कागज पर इसी कलम से ही साइन करिएगा। तो मित्रों हमने आपको बताया कि यम द्वितीया की महिमा क्या है, कैसे इस भाई दूज के पावन पर्व को आप विशेष और खास बना सकते हैं, कैसे आप अपनी वाणी में, अपने अध्यापन में, अपने लेखन के क्षेत्र में या फिर आप किसी भी व्यवसाय या नौकरी से जुड़े हुए हैं उसमें आप चार चांद लगा सकते हैं, कैसे भगवान चित्रगुप्त का आपको आशीर्वाद बहुत आसानी से एक सरल से मंत्र से हो सकता है, तो भाई इस सटीक समय का ध्यान रखिएगा। यम द्वितीया अर्थात भाई दूज के पावन पर्व की आपको ढेर शुभकामना। ज्योतिष गुरु आपके लिए हृदय से कामना करते हैं। जुड़े रहिए आप जी न्यूज के इसी मंच के साथ। दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।